6 मई को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पंजाब बीएड एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उसका स्टार्ट कर दिया है। इसका फर्स्ट स्टेप जो है 7 स्टेप्स हैं टोटल ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के, तो उसका फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, 28 जून तक आप फिल कर सकते हो। डेट ऑफ टेस्ट क्या है, 24 जुलाई संडे है। टाइम ऑफ टेस्ट 10:30 से 1 PM तक ये टेस्ट जो आपका होगा। ठीक, तो सबसे पहले ये देख लें कि जो ऑनलाइन परफॉर्मर फिल करना है उनकी ये फर्स्ट स्टेप की क्या रिक्वायरमेंट्स है। 3 रिक्वायरमेंट्स है। एक तो अपना पासवर्ड पहले से डिसाइड कर लीजिए। पासवर्ड की आगे चल के 5 कंडीशंस बताई हुई हैं। ये पासवर्ड मैंने जो रखा है इसकी 5 कंडीशन फुलफिल करता है। 5 कंडीशन में से कौन सा है, ये रहा पहली कंडीशन क्या है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स चाहिए। मिनिमम मीन 8 से ज्यादा रख सकते हो। मैंने 8 की एग्जांपल दी है, आप 8 से ज्यादा रख सकते हो। दूसरा, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर जो है अपर केस होना चाहिए। अपर केस मीन के उसका कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे मैंने कैपिटल यहाँ टी ले लिया, ठीक। दूसरा, लोअर केस मिनिमम 1 चाहिए। लोअर केस मैंने ज्यादा रख लिए है, TINDA टींडा, ठीक है। और मिनिमम 1 नंबर चाहिए। मैंने यहाँ 1 नंबर ले लिया, आप 2, 3, 5, 1, 2 कितने भी कर सकते हो। मैंने 1 की एग्जांपल ली है। आप 1 को यहाँ लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। ओके, 1 टींडा, उसके पास कम से कम एंड स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। कम से कम 1 स्पेशल कैरेक्टर। मैंने स्पेशल कैरेक्टर कौन सा ले लिया है, 1 ले लिया है ये हैश, और 1 लिया है एट द रेट ऑफ। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं वो भी आपको यहां दिखा देता हूं। यहां वापस चलते हैं स्पेशल कैरेक्टर के लिए। ये जो लिस्ट है बड़ी, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये जितने भी साइन है आप देख सकते हो, ये स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। आपके कीबोर्ड पर होंगे, एट द रेट ऑफ हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है ना, एंड है, स्टार है, ब्रैकेट्स हैं, डिफरेंट तरह की, प्लस माइनस इक्वल टू, ये सारे ही स्पेशल कैरेक्टर में आ रहे हैं। आप कोई भी मिनिमम 1 आपको चूज करना ही होगा। दूसरा, आप अपना ईमेल एड्रेस जरूर बना लीजिए। ईमेल कई बार बच्चों के पास अपना पर्सनल नहीं होता, बीएड करनी है उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी, पोस्ट मैट्रिक जो है स्कॉलरशिप फिल करनी है, जहां डिफरेंट तरह के प्रोसीजर होते हैं, एप्लीकेशन होती है, उसके लिए ईमेल आपको अपनी चाहिए। ईमेल अपना जनरेट कर लीजिए। कारण ये है कि दूसरा, आपको मोबाइल आपका नजदीक रखना होगा, क्योंकि OTP इसकी फुल फॉर्म है, 1 टाइम पासवर्ड जनरेट होना है। तो ये 2 पर्सनल आईडी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। मैंने क्या किया है, ये लैपटॉप पर अपना ईमेल जो है पहले से ही खोल के रखा हुआ है, ठीक। और दूसरा, अपने पास ये मोबाइल रखा है, दिखा दो गुड़िया, हाँ ये लिखे हुए हैं वैसे, इसको पास में रखा है, अभी OTP इस पर आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया, ये तैयारी हो गई। तैयारी के बाद हम कहाँ चलते हैं कि कैसे ये वेबसाइट पेज जो है खोलना है। यहाँ पर मैं फिल करूंगा पंजाब BEDadmissions.org, इतना फिल करना है। यहाँ फिल किया है इसलिए यहाँ दिखाया है, यहाँ शायद दिखाई ना पड़े, लाइट पड़ रही है। तो ये फिल करने के बाद आप एंटर करते हो। एंटर करने के बाद आपका ये वेब पेज खुल जाता है। तो यहाँ पर लिंक्स भी हैं, लेटेस्ट न्यूज भी है, आप खुद भी देख सकते हो अगर ये चैनल या ये वीडियो नहीं देखनी तो। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन अभी सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ही है। तो ये यहाँ पर क्लिक किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पेज खुल गया। इस पर वेरी सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं आप, लास्ट डेट टू रजिस्टर ये बात हो चुकी है। फील्ड्स मार्क एज स्टार आर मैंडेटरी, यहाँ पर भी स्टार ऐसा लगा है वो फिल करना हर हालत में जरूरी है, मैंडेटरी मीन कंपल्सरी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, मैंने नेम फिल किया TIRATH, ओके, SIN
जी एच। अच्छा वो नाम फिल कीजिए जो नाम आपके टेंथ के सर्टिफिकेट या लेटेस्ट सर्टिफिकेट में है। कई जनों को प्रॉब्लम आएगी फुल नाम की, इतनी घबराने की बात नहीं है, बाद में उसका एफिडेविट लग जाता है, उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये सारे आपने फिल कर लीजिए। बल विनंदर सिंह एस आई एन जी एच। ओके मदर्स नेम सूरी। ओके यहां पर ओके यहां इसको थोड़ा थोड़ा कर ले, दिखाई देगा ये रहा। ओके तो इसके बाद जेंडर चूज करना है। फॉर एग्जांपल जस्ट क्लिक किया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नो कैंडिडेट इज एडवाइज टू फिल हिज और हर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एज द सेम इज टू बी यूज फॉर द फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। दैट इज वाई आपको अपना ईमेल और मोबाइल जो पर्सनल है वही चाहिए। डेट ऑफ बर्थ है, बहुत बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्लिक कीजिए जो भी आपकी डेट है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिख दी 6 और ये हो गया जैन और ये हो गया 2001। ठीक है ये फिल हो गया। एंटर मोबाइल नंबर, ये मैंने मोबाइल नंबर फिल किया यहां से 8427458843 इसलिए फिल कर रहा हूं। कई जने चैनल पर भी मांगते हैं कि फोन नंबर क्या है, यहां से आप ले सकते हो। ओके सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल, अब यहां पर क्लिक करूंगा यहां पर ओटीपी आ जाएगी। ये मैंने क्लिक किया सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल और ये मेरे नंबर पर ओटीपी एक्सपायर विद इन 1 मिनट में एक्सपायर हो जाना है। ठीक है और ये ओटीपी आ चुका है, ये आया है डियर कैंडिडेट 1309। यहां पर मैं कंफर्म करूंगा 1309। ओके ये कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद इसलिए कहता हूं कि इन्होंने सिर्फ 1 मिनट देना है। दैट इज वाई आपका मोबाइल जो है आपके पास और मैसेज का वो खुला होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर ऐसे मैंने रखा है, इसको ईमेल को भी खोल के रखा है और कंफर्म ईमेल ओटीपी एंटर ईमेल आईडी, यहां पर ईमेल आईडी फिल करूंगा PIRATHSING@hotmail.com। ठीक है PIRATHSING@hotmail.com। तो सेंड ओटीपी ये रहा और ये मेल पर अभी आ जाएगा। एंड ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी एंड चेक ईमेल आईडी एंड एंटर इन बीएड एडमिशन रजिस्ट्रेशन ओटीपी। ठीक है ये दिखाई दे रहा है, देखिए ठीक है तो ये ओटीपी आ गया। डियर कैंडिडेट यू आर ट्राइंग टू रजिस्टर योर ईमेल आईडी एट पंजाब बीएड एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल योर लॉगिन आईडी एट PIRATHSING@hotmail.com एंड योर ओटीपी इज 3937। ये मैं फिल करने लगा हूं 3937। ओके ये फिल हो गया। अब मैंने जो पासवर्ड पहले से रखा है, पहले से तैयारी की है ना, यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये यहां आते हैं पासवर्ड। पासवर्ड क्या है मेरा कि सबसे पहले मैंने रखा था 1, ठीक है उसके बाद टी जो था कैपिटल हो गया, मैंने पहले सोच रखा है, फिर वापस आ गया आई छोटा एन डी ए, ठीक है टीडा। आगे मैंने रखा है हैश, ये हैश के बाद दूसरा स्पेशल करेक्टर है एट द रेट। ओके कंफर्म पासवर्ड, ये मुझे फिल करना पड़ेगा और ये फिल करने के लिए फर्स्ट मेरा क्या था 1 टी बड़ा
अपर केस, फिर आई एन डी ए हो गया, उसके बाद हैश एट द रेट, ठीक है। तो पासवर्ड कंफर्म हो गया और ये मैंने कर दिया सबमिट। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन। यहां आपका फर्स्ट स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जब भी आपने लॉग इन करना है तो वो सेकेंड स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हो क्या लिखा है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द कैंडिडेट लॉग इन। यहां पर अभी कैंडिडेट लॉग इन का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। तो जब भी वो ऑप्शन आता है वहां पर हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनेगी। कैंडिडेट लॉग इन ऑप्शन अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड एंटरिंग करेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो मैंने अभी दिखाया आपको, ईमेल आईडी और पासवर्ड हो गया। कैंडिडेट शैल एंटर इनटू द कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करते हो जो आपने अपनी नोटबुक पर सेव करके रखा है, तो एक कैंडिडेट डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसीजर उस डैशबोर्ड पर चलेगा। एरिया वेयर सम इम्पोर्टेंट लिंक्स एंड बेसिक डिटेल्स एंटर्ड बाय द कैंडिडेट शैल अपीयर ऑन द स्क्रीन, वो आ जाएगी स्क्रीन पर। कैंडिडेट हैज टू यूज द लिंक अंडर कैंडिडेट डैशबोर्ड एरिया, तो वो कैंडिडेट डैशबोर्ड या उसको आपको क्लिक करोगे। तो आपने इनमें से कोई अपनी तैयारी करके रखनी है कि आपने बैंक की जो फीस की ट्रांजेक्शन है कैसे करनी है। नेट बैंकिंग हो सकती है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, ऑफलाइन मोड जो एचडीएफसी बैंक, अगर आप फिजिकली जाना चाहते हो तो वो जाके आप कर सकते हो। तो यहां तक ये वीडियो काफी है, ये आज प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो बीएड रिगार्डिंग, बीएड के एडमिशन के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कोई डाउट है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर बाकी जो है प्रोस्पेक्टस आ गया, उसकी जो विशेष वीडियो होगी बनती आपके लिए जरूरी होगी, वो अभी बना के अपलोड कर देता हूँ। तो आप बने रह सकते हैं लर्न टू एक्चुअलाइज के साथ डॉक्टर तीरथ सिंह। थैंक यू।